हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पावर डेसिपिटेशन के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, और फिर उसके बाद में हम तीन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे किसके ऊपर बेस्ड, इलेक्ट्रिक रोड की हेल्प से जब हम वोटर को गर्म करते हैं ना उसके ऊपर बेस्ड तीन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल इसमें क्या गिवन है, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है R और एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये दोनों पैरेलल में है। इसका रेजिस्टेंस 2R और इसका 4R, ठीक है। और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है वी वोल्ट की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसा गिवन है, अगर इस 2R रेजिस्टेंस से पावर डेसिपिटेशन वो मान लो पी नोट है, ठीक है। तो अब देखो इस न्यूमेरिकल का सेकेंड पार्ट, इसमें क्या गिवन है, एक 3R रेजिस्टेंस है और एक 6R रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और यहां पे 2V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो ये फाइंड आउट करना है कि इस 6R रेजिस्टेंस से पावर डेसिपेशन वो कितनी आएगी, पी डैस इन टर्म्स ऑफ पी नोट फाइंड आउट करना, ठीक है। चार ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, 0.81 पी नोट, बी ऑप्शन में 1.81 पी नोट, सी ऑप्शन में 2.81 पी नोट और डी ऑप्शन में 3.81 पी नोट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में एक लगा दूंगा, इन दो पॉइंट्स के अबाउट कितने का, 4 × 8 R² बाय में 4 + 2 6R, 2 × 8 2 × 3 6 4R बाय 3 का, तो ये R तो है ही, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लगा दिया 4R बाय 3 का, और ये वी वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, अब इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लगा दो कितने का, दिस प्लस दिस 7R बाय 3 का, वी वोल्ट की बैटरी। अब मान लो बैटरी ने करंट छोड़ा आई, ठीक है, बैटरी ने आई करंट छोड़ा, 2R रजिस्टर में मान लो I1 गया, 4R में I2, ऑब्वियसली I1 प्लस I2 I हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से I कितना आएगा, V बाय में 7R बाय 3, 3 वी बाय 7R आ गया। अब I1 और I2 और निकाल लो, तो देखो ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में है ना, और इनकी तरफ इतना करंट अप्रोच कर रहा है, तो I1 कितना जाएगा, दिस I 3V बाय 7R इनटू में इसके सामने वाला रेजिस्टेंस 4R बाय में इन दोनों का सम 2R प्लस 4R 6R, ठीक है। ये R से ये R खत्म, तो ये आ गया 4 × 3 = 12 वी बाय 42R, ठीक है, 12V बाय में 42R। अब देखो यहां पे 3 × 12 और ये 3 से 14 पे कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, तो ये आ गया
टू वी बाय सेवन आर, कितना आ गया टू वी बाय सेवन आर। ठीक है, आई टू कितना आ जाएगा, आई माइनस आई वन कर दो तो दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा v बाय सेवन आर। तब देखो ये जो 2R रेजिस्टेंस है इतनी, इससे कितनी पावर डेसिपेशन होगी, T नोट गिवन है। वैसे यूजिंग फॉर्मूला क्या आएगा, आई वन का स्क्वेयर इंटू में 2R, आई वन का स्क्वेयर मतलब 4V स्क्वेयर बाय में 49R स्क्वेयर और इंटू में इसका रेजिस्टेंस 2R। सही बात है, तो यह आ गया एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 8 वी स्क्वायर बाय में 49 आर, इतना आ गया। अब आओ इसके सेकंड पार्ट पे, ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है 3R और 6R का और 2V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो ये जो 6R रेजिस्टेंस है इससे कितनी पावर डेसिपेटेड होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, पी डैश फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ पी नॉट। तो अब देखो इन दोनों की जगह मैं एक लगा सकता हूँ, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट सीरीज में है 6+3 9R का, बैटरी कितना करंट छोड़ेगी, मान लो आई डैश छोड़ेगी, तो आई डैश कितना आ जाएगा 2V बाय में 9R। सही बात है, ठीक है ना। तो पावर डेसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस 6R रेजिस्टेंस ये कितना आ जाएगा बाय यूजिंग फॉर्मूला, आई डैश का स्क्वायर इंटू में 6R मतलब 4V स्क्वायर बाय में 81R स्क्वायर इंटू में 6R, आई स्क्वायर इंटू आर का फॉर्मूला लगा दिया ना, एक आर से एक आर खत्म हो गया, 3 × 6 = 27 पे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8V स्क्वायर बाय 27R। तो देखो मुझे पी डैश की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पी नोट, पी नोट कितना 8V स्क्वायर बाय 49R और पी डैश आया है 8V स्क्वायर बाय 27R, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 1/27 इंटू में 8V स्क्वायर बाय आर, 8V स्क्वायर बाय आर की वैल्यू आ जाएगी 49 पी नोट, 49 पी नोट, तो ये आ जाएगा 1.81 पी नोट, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस से कितनी पावर डेसिपेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, पी डैश इन टर्म्स ऑफ पी नोट 1.81 पी नोट, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो एक बिल्कुल क्लासिकल रिजल्ट को ड्राइव करेंगे, मेरे पास इलेक्ट्रिक रोड होंगी दो, ठीक है, तो देखो मान लो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसा मान लो MKG वाटर, और इस पानी की वाटर की स्पेसिफिक हीट है S क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, मैंने एक रोड लगा दी, इलेक्ट्रिक रोड ये लगा दी, ठीक है, इस रोड की रेटिंग देखो क्या गिवन है, P1V ये रेटिंग गिवन है, ठीक है, मतलब जब इस
रोड के अक्रॉस आप वी वोल्टेज अप्लाई करोगे तब ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगी पी वन, ठीक है, और ऑब्वियसली वो उस सारी की सारी को इन द फॉर्म ऑफ हीट वोटर को दे देगी, जिससे वोटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना। और मान लो मैंने क्या किया, ये जो रोड है ना इलेक्ट्रिक रोड, इसके क्रॉस वी वोल्ट की ही बैटरी लगा दी, ठीक है, वी वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो ये इलेक्ट्रिक रोड यहां पे अब कितनी पावर कंज्यूम करेगी, पी वन करेगी, वी वोल्ट की बैटरी लगा दी इसके क्रॉस, पी वन कंज्यूम करेगी, और फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट वो हीट में जाएगी, जिससे ये वोटर है वो गर्म होता जाएगा, वोटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लगाए रखी मैंने ये रोड, ठीक है, मान लो टी वन टाइम में इस वोटर का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ गया, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, वो डेल्टा टी आया, ठीक है, टी वन टाइम में इस वाटर का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये टी वन निकाल लो, ठीक है, तो देखो टी वन टाइम में इस इलेक्ट्रिक रोड ने इस वाटर को कितनी हीट एनर्जी दी होगी, पी वन इंटू मैं टी, पी वन जूल पर सेकंड और इंटू मैं टी वन टाइम, इतनी ही दी होगी, और इतनी हीट से जो कि वाटर को टी वन टाइम में मिली है, इतनी हीट से मतलब इतनी हीट एनर्जी से उस वाटर का मतलब एमकेजी वाटर का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ गया, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, वो कितना आ गया डेल्टा टी, तो ये किसके बराबर होगी, एम एस डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस रोड ने एक तरह से टी वन टाइम में इस वाटर को कितनी हीट एनर्जी दी, पी वन जूल पर सेकंड इंटू में टी वन टाइम, इतने जूल दी होगी, ठीक है, जिससे इस एम के जी वाटर का टेम्परेचर कितने से बढ़ गया, डेल्टा टी से बढ़ गया, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना आ गया डेल्टा टी, तो ये एम एस डेल्टा टी के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो होती है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, एस का मतलब इतना जूल, मतलब 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, इंटू में एम कर दो तो ये कितना आ जाएगा, इतना जूल पर डिग्री सेल्सियस, और इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना आया इंटू में डेल्टा टी कर दो तो वो जूल ही आ जाएगा ना, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इंटू में इतना केजी मास वाटर का और इंटू में इतना इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो ये जूल ही आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो वाटर है ना एम के जी, जिसकी स्पेसिफिक हीट एस है, अगर इस वाटर का टेम्परेचर हमें डेल्टा टी से बढ़ाना है तो इस वाटर को कितनी हीट एनर्जी चाहिए होगी एम एस डेल्टा टी, और वो किससे मिलेगी, इस रोड से, फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये रोड हर सेकंड में पी वन जूल हीट एनर्जी दे रही है इस वाटर को, तो मान लो इस वाटर का टेम्परेचर में इंक्रीज आ गया डेल्टा टी और इतने में टाइम लग गया टी वन, मतलब वाटर गर्म हो गया, ठीक है, तो इस टी वन टाइम में इस रोड ने, इलेक्ट्रिक रोड ने इस वाटर को कितनी हीट एनर्जी दी होगी, पी वन इंटू में टी वन, ये एम एस डेल्टा टी के बराबर होना चाहिए। तो यहां से तो देखो टी वन कितना आ गया, एम एस डेल्टा टी बाय पी वन, ठीक है।
और अब देखो वही वोटर है, एमकेजी ही वोटर है मेरे पास। कितना एमकेजी ही वोटर है, ठीक है, एम के जी ही वोटर है मेरे पास से। और अब मेरे पास कोई दूसरी रोड है, दूसरी इलेक्ट्रिक रोड है, इसकी रेटिंग क्या है, पी टू वी, ठीक है। तो मतलब जब इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी, वी वोल्ट, तो ये रोड कितनी पावर कंज्यूम करेगी, पी टू, ठीक है। और मान लो मैंने वी वोल्ट की बैटरी लगा ही दी इसके अक्रॉस, ठीक है, और यहां पे भी पानी गर्म होता गया, गर्म होता गया फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो यहां पे इसी पानी का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ने में कितना टाइम लगा, मान लो टी टू टाइम लगा, टी टू टाइम में उतना ही इंक्रीज इन टेम्परेचर आ गया वोटर का जितना यहां पे आया था, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये टी टू निकालो, अगेन वही है, टी टू इंटू मैं टी टू किसके बराबर हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी, सिमिलरली बिल्कुल इसके सिमिलरली। तो टी टू कितना आ गया, एम एस डेल्टा टी बाय में पी टू, ठीक है। और अब देखो मेरे पास वही वोटर है, एम के जी वोटर, ठीक है, मैं अब क्या करूंगा, इन दोनों रोड को, दोनों रोड को, बिल्कुल दोनों रोड को पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा ऐसे करके। फर्स्ट वाली तो ये होगी और सेकंड वाली ये होगी, ठीक है, और वी ही वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली कितनी पावर कंज्यूम करेगी, पी वन, और यहां पे सेकंड वाली भी कितनी करेगी, पी टू करेगी, क्योंकि इसकी रेटिंग क्या है, पी वन वी, मतलब अगर इस रोड के अक्रॉस वोल्टेज वी आई तो ये कितनी कंज्यूम करेगी, पी वन, इसकी रेटिंग पी टू वी, इसकी रेटिंग पी टू वी का मतलब क्या है, अगर इसके अक्रॉस वी वोल्ट बैटरी लगाई तो ये कितनी कंज्यूम करेगी, पी टू। अब मैंने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और वी ही वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो ये पहले वाली ये कितनी कंज्यूम करेगी, पी वन वोल्ट, दूसरी वाली पी टू वोल्ट, ठीक है। तो अब देखो उतना ही वोटर है, अब मान लो टी थ्री टाइम में उतने ही वोटर का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वोटर डेल्टा टी, ठीक है। ये दोनों रोड मैंने यहां पे पैरेलल में लगाई है, ध्यान रहे। तो ये टी थ्री निकाल लो इन टर्म्स ऑफ टी वन एंड टी टू, ठीक है। चलो तो देखो हर सेकंड में इस वोटर को, एम के जी वोटर को कितनी हीट एनर्जी मिल रही होगी यहां पे, पी वन प्लस पी टू, ठीक है। और मान लो टी थ्री टाइम में इस वोटर के टेम्परेचर में इंक्रीज आ गया डेल्टा टी, तो इंटू में टी थ्री कर दोगे तो टी थ्री टाइम में एम के जी वोटर को टोटल इतनी हीट एनर्जी मिली होगी,
और एमकेजी वाटर का टेम्परेचर अगर हमने डेल्टा टी से बढ़ाना है, जो कि यहाँ पे यूजिंग दीज टू रोड्स बढ़ाया है, तो ऐसे में इस वाटर को कितनी हीट एनर्जी मिलनी चाहिए? एम एस डेल्टा टी, सही बात है। तो एक तरह से यहां से टी थ्री कितना आ गया, एम एस डेल्टा टी भाग में पी वन प्लस पी टू। पी वन की क्या वैल्यू, एम एस डेल्टा टी बाय में टी वन यहां पे पुट कर दो, पी टू की एम एस डेल्टा टी बाय में टी टू यहां पे पुट कर दो। एम एस डेल्टा टी बाय में टी वन प्लस एम एस डेल्टा टी बाय में टी टू, ये पी टू की वैल्यू, ये पी वन और ये पी टू की, ठीक है। तो एम एस डेल्टा टी से एम एस डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो वन बाय में एक तरह से टी वन प्लस टी टू बाय में टी वन टी टू, तो यह आ जाएगा टी वन टी टू डिवाइडेड बाय टी वन प्लस टी टू, ठीक है। तो टी थ्री आ गया टी वन टी टू बाय में टी वन प्लस टी टू। तो अब देखो, मान लो ये रोड ज्यादा वोट की है, ये रोड कम वोट की है, मतलब ऐसा मानो कि पी वन पी टू से ज्यादा है, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लो। तो जब ये अकेली रोड इस वोटर को गर्म करेगी तो कितना टाइम लेगी, टी वन इतना, और जब ये अकेली रोड ये वाली उसी वोटर को गर्म करेगी, और इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वोटर उतना ही है डेल्टा टी, जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, और वोटर भी उतना ही है, ठीक है। तो ये इतना टाइम लेगी, पी वन पी टू से ज्यादा, मतलब ये रोड ज्यादा वाट की है, ये कम वाट की है, तो ऑब्वियसली टी वन टी टू से कम आएगा, पी वन ज्यादा है पी टू कम है, ये रोड ज्यादा वाट की है ये रोड कम वाट की है, उतने ही पानी का, मतलब एम सेम है ना, उतने पानी का टेम्परेचर में इंक्रीज डेल्टा टी लाना है। तो यहाँ पे जल्दी गर्म हो जाएगा पानी, यहाँ पे रिलेटिवली थोड़ा सा देर बाद होगा, तो टी वन टी टू से कम आएगा, यहाँ पे पानी थोड़ा जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। और देखो, जब मैं इन दोनों को पैरेलल में लगाऊंगा, उतने ही पानी का टेम्परेचर में सेम इंक्रीज इन डेल्टा टी, उतने ही पानी का टेम्परेचर में सेम इंक्रीज डेल्टा टी, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, टी थ्री, टी वन टी टू भाग में टी वन प्लस टी टू। ये जो टी थ्री है ना, किससे भी कम आएगा, टी वन और टी टू में जो कम है ना, क्या कम है, टी वन, ये उससे भी कम आएगा। तो एक तरह से टी थ्री टी वन से भी कम आएगा, ये पक्का है, ठीक है। तो अब देखो इसका सेकंड केस, अब मैं इन दोनों रोड को सीरीज में लगाऊंगा, ठीक है, उतना ही पानी है एम के जी। अब मैं दोनों रोड को सीरीज में लगाऊंगा ऐसे करके, ठीक है, और यहां पे वी वोल्ट की ही बैटरी लगाऊंगा। ये ऐसा मान लो ये वाली पहली रोड है और ये वाली सेकंड रोड है, ये दोनों मैंने सीरीज में लगा दी। अब तो ऑब्वियसली पानी तो यहां पे भी गर्म होगा, तो मान लो यहां पे डेल्टा टी जो इंक्रीज आएगा इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना टाइम लगेगा, मान लो यहां पे टी फोर लगेगा, टी फोर टाइम लगेगा, तो ये टी फोर निकाल लो इन टर्म्स ऑफ टी वन एंड टी टू। तो अब देखो,
ये वाले जो पहली रोड है इसका रेजिस्टेंस मान लो आर वन है, ये कितना आएगा, वी स्क्वेयर बाय पी वन। रेटिंग का हेल्प से इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। इस वाली रोड का रेजिस्टेंस मान लो आर टू है, यूजिंग रेटिंग निकाल सकते हो आर टू रेजिस्टेंस वी स्क्वेयर बाय पी टू। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर वन, ये रेजिस्टेंस आर टू, ये वाली ये रोड है और ये वाली ये रोड है। अब की बार दोनों सीरीज में कनेक्ट कर दी और हर बार में 20 वोल्ट की बैटरी लगाता आया हूँ, ठीक है ना। तो यहां पे एक तरह से इसकी पावर डेसिपेशन प्लस इसकी पावर डेसिपेशन वो टोटल वो कितनी आ जाएगी, वी स्केयर बाय आर वन प्लस आर टू, ये दोनों सीरीज में हो गए ना रेजिस्टेंस। तो यहां पे पी टोटल एक तरह से वो क्या आ जाएगी, वी स्केयर बाय में आर वन प्लस आर टू, और आर वन कितना, वी स्केयर बाय पी वन प्लस आर टू वी स्केयर बाय पी टू। तो पी टोटल ये कितना आ जाएगा, वी स्केयर से वी स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी वन पी टू भाग में पी वन प्लस पी टू। ठीक है, तो मतलब यहां पे इसकी और इसकी दोनों की मिला के जो टोटल पावर कंज्यूम होगी ना, पी टोटल वो क्या होगी, पी वन पी टू भाग में पी वन प्लस पी टू। तो अब देखो ये जो पी टोटल है ना यहां पे इन केस ऑफ सीरीज, ये पी वन और पी टू में जो कम है ना उससे भी कम आएगी ये पी टोटल। पी वन और पी टू में कम क्या है, पी टू। ये पी टोटल पक्का पी टू से भी कम आएगी, ठीक है ना। तो मान लो यहां पे टी फोर टाइम में इस पानी के टेम्परेचर में इंक्रीज कितना आया, डेल्टा टी। तो टोटल टी फोर टाइम में बाय दीज टू रोड्स, बाय दी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रोड्स, टी फोर टाइम में इस वॉटर को कितनी हीट एनर्जी मिली होगी, दिस पी टोटल इंटू में टी फोर कर दो, पी वन पी टू बाय में पी वन प्लस पी टू इंटू में टी फोर, और ये किसके बराबर होगी, एम एस डेल्टा टी के बराबर। टी फोर टाइम में इस पानी के टेम्परेचर में इंक्रीज डेल्टा टी आया होगा ना, पानी गर्म होया होगा, तो यहां से टी फोर कितना आ गया, एम एस डेल्टा टी बाय में पी वन पी टू इंटू में पी वन प्लस पी टू। पी वन की ये वैल्यू पुट करनी है एम एस डेल्टा टी बाय में टी वन, और पी टू की एम एस डेल्टा टी बाय में टी टू यहाँ पे हर जगह पे, ठीक है। तो पी वन प्लस पी टू क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी को तो कॉमन ले लेना, इंटू में वन बाय टी वन प्लस वन बाय टी टू, ये हो गया पी वन प्लस पी टू। और पी वन पी टू क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी का तो स्क्वेयर और इंटू में वन बाय टी वन इंटू में वन बाय टी टू। सही बात है, एम एस डेल्टा टी इंटू में एम एस डेल्टा टी, ये एम एस डेल्टा टी का स्क्वेयर हो जाएगा, इसको बेशक से हटा दो, ये से ये खैर कैंसिल हो गया। तो वन बाय टी वन प्लस वन बाय टी टू, इसको क्या लिख सकता हूं, टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाय टी वन टी टू। तो टी फोर देखो कितना आ गया, टी वन प्लस टी टू बाय में टी वन टी टू बाय में वन बाय टी वन टी टू। तो ये टी वन प्लस टी टू आ जाएगा, ठीक है, टी वन प्लस टी टू कितना आ गया, टी वन प्लस टी टू, टी फोर,
टी फोर आ गया, टी वन प्लस टी टू मतलब टी वन और टी टू में जो ज्यादा टाइम है ऑब्वियसली टी टू है, यहां पे उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा उतने पानी के टेम्परेचर को डेल्टा टी से ही बढ़ने में, टी टू से भी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक तरह से ये जो टाइम आए हैं टी वन टी टू और टी थ्री टी फोर, इनमें सबसे ज्यादा क्या है टी फोर, ठीक है ना, और सबसे कम कौन सा है टी थ्री, तो टी थ्री को आप यहां पे लिखिए, ठीक है। और फिर है टी टू, फिर टी वन, फिर टी थ्री, ठीक है। ऐसे करके मतलब सबसे ज्यादा टाइम यहां पे लगने वाला है उतने पानी को गर्म होने में, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर उतना ही आए चारों केस में, और पानी भी उतना ही हो, और वी वोल्ट की ही बैटरी लगाई हो हमने, तो सबसे ज्यादा टाइम यहां पे लगेगा टी फोर, देखो सबसे ज्यादा है। फिर उससे कम टाइम में यहां पे लगेगा, ठीक है, उससे कम टाइम यहां पे लगेगा, और सबसे कम टाइम यहां पे लगेगा जब ये पैरेलल में होंगे, सबसे जल्दी गर्म होगा यहां पे पानी जब ये पैरेलल में लगे होंगे, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखो इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखो, इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एम 20 kg है, 20 kg वोटर है, और वोटर की स्पेसिफिक हीट होती है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतनी होती है। और वी वी एक तरह से 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट कि बैटरी का यूज किया जाएगा, ठीक है। और ये जो पहली रोड है ना, इसकी जो रेटिंग में जो P1 है ना वो कितना गिवन है 2000 वाट, और जो दूसरी रोड है इसकी रेटिंग में जो P2 है वो कितना गिवन है 1000 वाट। मतलब देखो इस रोड की रेटिंग क्या है 2000 वाट कोमा 220 वोल्ट, ठीक है, इस रोड की रेटिंग क्या है 1000 वाट कोमा 220 वोल्ट, और 20 kg वोटर है, ठीक है, और वोटर की स्पेसिफिक हीट ये होती है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करना है 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करना, मतलब डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर वो कितना हो गया 80 माइनस 20 से 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब मैं पहली रोड का यूज करूंगा 2000 वाट वाली रोड का यूज करूंगा तो जो 20 kg वाटर है उसके टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने में जो T1 टाइम लगेगा वो कितना आएगा, एम एस डेल्टा टी बाय में P1 इसका यूज कर लेना, एम कितना 20, एस 4200, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर 60 डिग्री सेल्सियस बाय में P1 2000 वाट, ये तो टाइम सेकंड में आएगा, मुझे चाहिए मिनट में, ठीक है, तो बाय 60 कर दूंगा तो मिनट में आ जाएगा ये। और ये कितना आएगा,
यहाँ पे यूजिंग कैलकुलेटर ये 42 मिनट आ जाएगा T1, ठीक है 42 मिनट। और वही 20 kg वाटर अब मैं दूसरी रोड की हेल्प से गर्म करूँगा, 1000 वाट वाली जो रोड है ना, जिसकी रेटिंग क्या है 1000 वाट 220 वोल्ट, और 220 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, ठीक है। तो पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने में, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर डेल्टा टी 60 डिग्री सेल्सियस। अब कितना टाइम लगेगा T2, वो यहाँ से निकाल सकते हो, MS ΔT बाय में P2। एम कितना, 20 20, ऐसे स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर 60 डिग्री सेल्सियस बाय में P2, 1000 वाट, दूसरी रोड 1000 वाट की है ना, ये तो सेकंड में आ जाएगा, बाय में 60 करोगे तो ये मिनट में आ जाएगा, और ये कितना आएगा 84 मिनट आएगा, ठीक है 84 मिनट। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों रोड को पैरेलल में लगाऊंगा और 220 वोल्ट बैटरी का ही यूज करूंगा, ठीक है, और उतना ही पानी होगा 20 kg वाटर, और 20 kg वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना होगा, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर 60 डिग्री सेल्सियस। तो अब कितना टाइम लगेगा T3, ये T3 क्या आएगा T1 T2 भाग में T1 + T2, T1 T2 निकल चुका है ना, तो 42 × 84 डिवाइडेड बाय 42 + 84, ये कितना आएगा 28 मिनट आएगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, उन दोनों रोड को सीरीज में कनेक्ट करूंगा और 220 वोल्ट की बैटरी का यूज करूंगा, और वही वोटर है 20 kg, टेम्परेचर 20 से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करना, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वोटर 60 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहां पे कितना टाइम लगेगा T4, और ये कितना होगा T1 + T2, तो मतलब 42 + 84 80 और 40 120, 126 मिनट लग जाएंगे यहां पे, ठीक है। तो केवल 2000 वाट की रोड की हेल्प से गर्म करूंगा तो कितना टाइम लगेगा 42 मिनट, केवल 1000 वाट की रोड की हेल्प से गर्म करूंगा तो कितना टाइम लगेगा 84 मिनट, और उन दोनों को पैरेलल में लगा के फिर गर्म करूंगा तो कितना टाइम लगेगा 28 मिनट। तो सबसे जल्दी गर्म यहाँ पे होगा, देखो ये T3 सबसे कम है, ठीक है ना, और जब दोनों को सीरीज में लगा के गर्म करूंगा तो कितना टाइम लगेगा T4, 126 मिनट, ये सबसे ज्यादा टाइम लगेगी यहाँ पे। तो यहां पे सबसे ज्यादा देरी लगने वाली है, टेम्परेचर में इंक्रीज उतना ही आएगा 60 डिग्री सेल्सियस, उतने ही 20 kg वाटर का, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सीरीज वाले केस में, ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे लगना है, ठीक है ना। और सबसे कम टाइम में गर्म कहां पे होगा, यहां पे जब T3 28 मिनट टाइम लगेगा, जब इन दोनों को मैं पैरेलल में लगा के इस पानी को गरम करूंगा विद द हेल्प ऑफ 220 वोल्ट बैटरी, ठीक है ना। तो ये रोड P1, V रेटिंग है, इस रोड की P2V, और हर बार में V वोल्ट की बैटरी का यूज करूंगा, ठीक है, MKG वोटर है, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एस जो कि 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। मैं पानी के टेम्परेचर को बढ़ाना चाहता हूँ बाय डेल्टा टी, तो इसका यूज करके, केवल इसका यूज करके कितना टाइम लगेगा T1, MS ΔT बाय P1, इसका यूज करके T2, MS ΔT बाय में P2, और मान लो P1 P2 से ज्यादा, मतलब ये ज्यादा वाट की पावर है, ये कम वाट की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पानी जल्दी गर्म होगा, यहाँ पे थोड़ी सी देर लगेगी, तो
तो टी वन टी टू से कम आएगा, सही बात है। और जब मैं इन दोनों को पैरेलल में लगा के गर्म करूंगा ना, पैरेलल में लगा के, तो यहां पे टाइम लगेगा टी थ्री, और ये आएगा टी थ्री कितना टी वन टी टू भाग में टी वन प्लस टी टू, ये उससे भी कम आएगा। टी वन और टी टू में जो कम है, टी टू है ना, उससे भी कम आएगा, सॉरी टी वन है, टी वन और टी टू में कम क्या है, टी वन, वो उससे भी कम आएगा, देख सकते हो टी थ्री टी वन से भी कम है। तो यहाँ पे पानी सबसे जल्दी गर्म होने वाला है, और जब मैं इन दोनों को सीरीज में लगा के पानी को गर्म करूंगा तो यहाँ पे टाइम लगेगा टी फोर, टी वन प्लस टी टू, सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा, मतलब टी वन और टी टू में ज्यादा क्या है टी टू, ये टी फोर टी टू से भी ज्यादा आएगा, मतलब एक तरह से टी फोर सबसे ज्यादा, फिर उससे कम टी टू, फिर उससे कम टी वन, सबसे कम टी थ्री। तो सबसे जल्दी पानी गर्म यहां पे होगा, टी थ्री टाइम सबसे कम है, ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, लास्ट न्यूमेरिकल आज का ये इस लेक्चर का, तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ये रहा, जिसमें 20 केजी वाटर भरा हुआ है, ठीक है, 20 केजी वाटर भरा हुआ है, और वाटर की स्पेसिफिक हीट ये 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस की बने इतनी होती है, ठीक है ना। और यहां पे एक तरह से दो कोयल सीरीज में कनेक्टेड है, एक तो ये और एक ये, इस कोयल का रेजिस्टेंस है X और इसका R, ठीक है। और मैंने यहां पे 220 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है, करंट फ्लो करेगा ऐसे, और फ्रॉम में जूल सेटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये पानी गर्म होता जाएगा, सही बात है, क्योंकि ये दोनों कोयल मिलके हीट एनर्जी देंगी ना वाटर को, जिससे पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस कोयल का रेजिस्टेंस एक्स, इसका आर, और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, 220 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा गिवन है कि इस पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा ना, तो ऐसा होने में 100 मिनट लगेंगे, 100 मिनट्स, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एक तरह से कितना आ गया, 80 - 20, 60 डिग्री सेल्सियस। और देखो अब मैं यहां पे क्या कर देता हूं, देखो वाटर वही है 20 केजी, इनिशियली इस वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको ना यहां पे शॉर्ट कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा पहली कोयल को, कैसे करके देखो, ये कर दी शॉर्ट, और 220 वोल्ट की ही बैटरी का यूज करूंगा, इसका रेजिस्टेंस एक्स था, इसका आर, तो ये जो पहली कोयल है ना जिसका रेजिस्टेंस एक्स था, उसको मैंने यहां पे शॉर्ट कर दिया, देखो ये वायर लगा दी, शॉर्ट कर दिया ना। तो अब एक तरह से इस कोयल का होना या ना होना एक बराबर है, शॉर्ट हो गया ना तो बैटरी ऐसे करंट छोड़ देगी, मान लो
आई वन करंट छोड़ा, वो सारा का सारा ऐसे आएगा। मतलब ये जो कोयल है ना उससे कोई करंट पास नहीं होगा, क्योंकि इस कोयल के अक्रॉस वोल्टेज जीरो है ना, तभी तो शॉर्ट हुई है ये। तो आई वन करंट ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा इस कोयल से पास होता हुआ, जिसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, तो पहली वाली कॉइल मैंने शॉर्ट कर दी, तो यहां पे पानी तो यहां पे भी गर्म होगा, लेकिन केवल किसकी हेल्प से? इस आर रेजिस्टेंस की कॉइल की हेल्प से, केवल इसी में करंट फ्लो करेगा ना। आई वन बैटरी आई वन करंट छोड़ेगी और वो आई वन करंट इसी से पास होगा, इससे कोई करंट पास नहीं होगा क्योंकि ये कॉइल तो शॉर्ट हो चुकी है। तो केवल इस रोड की हेल्प से या इस कोयल की हेल्प से अब ये यहाँ पे मेरा ये पानी गर्म होगा, और मान लो 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर हो जाता है। टाइम कितना लगता है? मान लो यहाँ पे 40 मिनट लगती है, यहाँ पे पानी जल्दी गर्म होगा, यहाँ पे देर लग रही थी। ठीक है, अगर ऐसा है तो x और r की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे टोटल पावर कितनी डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसकी मिला के और इसकी, दोनों की मिला के ना, v स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर, और बाय में रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? एक्स प्लस आर, इतनी होगी। और यहाँ पे 100 मिनट में इस पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल पावर डेसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसकी मिला के और इसकी मिला के कितनी हो रही होगी? वी स्केयर बाय आर इक्विवेलेंट, मतलब 220 का स्क्वायर बाय में एक्स प्लस आर, और इन टू में टाइम कर दूं 100 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, 100 मिनट और इन टू में 60 कर दूंगा तो ये सेकंड में आ जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो एक तरह से इस 20 kg वाटर को 100 मिनट में टोटल इतनी हीट एनर्जी मिली होगी, इतना जूल, जिसकी वजह से इस पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा? एम एस डेल्टा टी, एम मास ऑफ वाटर 20 kg, एस स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, इन टू में डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर 60। ठीक है, तो यहाँ से एक्स प्लस आर ये कितना आ जाएगा? 57.61 ओम। ठीक है, अब आओ इसके सेकंड पार्ट पे। अब मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है ना, मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो केवल इस कोयल की वजह से यहाँ पे पानी गर्म होने वाला है, और यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, 20 से बढ़कर 80 हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा? 40 मिनट, इससे भी कम टाइम। ठीक है, तो ऐसा सोचो, एक तरह से ये कोयल है ही नहीं क्योंकि ये तो शॉर्ट होगी ना, तो टोटल पावर डेसिपेशन केवल इसकी होगी, इसमें से तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा इस कोयल में से, और जो बैटरी आई वन करंट छोड़ेगी वो सारा का सारा इसमें से जाएगा, इसमें से कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं क्योंकि ये कोयल तो शॉर्ट हो चुकी है। तो केवल यहाँ पे इसके थ्रू पावर डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वही टोटल हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी? तो देखो इसी के क्रॉस आ गई ना 220 वोल्ट की, 220 वोल्ट इस कोयल के क्रॉस आ गई, देख सकते हो। तो मतलब 220 का स्क्वायर बाय में ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक है, तो टोटल यहां पे इतनी पावर डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और टाइम कितना लगेगा? 40 मिनट इस पानी के टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने में।
तो 40 मिनट में एक तरह से इस वोटर को, 20 kg वोटर को कितनी हीट एनर्जी मिलेगी केवल इस कोयल की वजह से, इनटू में टाइम कर दो सेकंड में, 40 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो एक तरह से इस 20 kg वोटर को 40 मिनट में केवल इस कोयल के थ्रू इतना जूल हीट एनर्जी मिलेगी। इट शुड बी इक्वल टू MS delta T, M20 S42 सौ जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, 80 - 20 = 60। ठीक है, तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी और ये आएगी 23 ओम। आर की वैल्यू निकल गई, एक्स प्लस आर कितना आया था, 27.61 ओम, 57.61। तो एक्स कितना आ जाएगा, 57.61 - r मतलब -23, तो यह आ जाएगी 34.61 ओम। ठीक है, तो दोनों आंसर निकल आए, एक्स और आर की वैल्यूज निकालनी थी ना। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।